हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय व्लॉग आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे तो आज का व्लॉग जो मैं बनाने वाली हूँ वो मेरे सामने रिकॉर्डिंग रखी हुई है और मैं आपके सामने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करूँगी चीप से चीप फ्लाइट टिकट चीपेस्ट फ्लाइट टिकट आप गूगल से कैसे बुक कर सकते हैं मुझे डेली से पुणे का जो फ्लाइट टिकट मिला वो बहुत सस्ता मिल गया मतलब ट्वेंटी एट हंड्रेड में पर पर्सन मेरा और नेवा का मिला के फिफ्टी सेवन हंड्रेड में दोनों का फ्लाइट टिकट हो गया था तो मैं आपको आज वीडियो में वन टू वन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि आप सस्ता टिकट कैसे बुक कर सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन का ठीक है जरूरी नहीं है कि आप मेरा देख के बिल्कुल कॉपी पेस्ट करें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं ठीक है तो आप बीच में स्किप मत करिए वीडियो स्किप करेंगे तो कोई छोटी मोटी बातें रह जाएंगी जो कि मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ कई बार पूरा वीडियो देख लेंगे और स्किप करने की वजह से वो जो मेन बात है वो रह जाएगी तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा तो बिना समय गंवाएं चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि मैं अपने ब्राउजर में गई हूँ ब्राउजर में जाके आपको सिंपली टाइप करना है डेली टू पुणे जैसा कि आप देख रहे हो मैं टाइप कर रही हूँ डेली टू पुणे टाइप कर दिया है ठीक है डेली टू पुणे टाइप करके डेली टू पुणे टाइप कर दिया है डेली टू पुणे टाइप करके मैं ये सब ओ आई बी वगैरह ये सब छोड़ दीजिए नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए नीचे आएंगे ना आप तो नीचे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे ये गूगल फ्लाइट्स का ऑप्शन दिखा रहा है शो फ्लाइट्स पे आप क्लिक करिए ठीक है ये पूरा पेज खुल गया है शो फ्लाइट्स का ये पूरा पेज खुलने के बाद आप देखिए न्यू दिल्ली मैंने डेस्टिनेशन डाल दिया है पुणे मैंने अपना डेस्टिनेशन डाल दिया न्यू दिल्ली रेपाचर है मेरा यहाँ मैं कैलेंडर पे क्लिक कर रही हूँ कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मैं यहाँ पूरा पूरा कैलेंडर आ गया सेप्टेम्बर में अगर मुझे ट्रैवल करना सेप्टेम्बर की सबसे सस्ती टिकट यहाँ पे यह दिखा रहा है थ्री की मुझे तेरह तारीख की तो मैंने ग्यारह कर दिया ग्यारह मुझे सूटेबल लगा मुझे जल्दी आना था ठीक है तो ग्यारह पे मैं क्लिक कर रही हूँ ग्यारह पे क्लिक करने के बाद मैंने बाकी सभी चेक लिया ऑगस्ट में भी महंगा है देखो सेप्टेम्बर में भी ये सब महंगा 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 और ये सितंबर का टिकट मुझे दिखा रहा है 11 सितंबर का संडे का टिकट है ये मैंने क्लिक किया उसके ऊपर तो ये मुझे दिखा रहा है मैं टू कर रहा हूं यहां पे वन वे है तो मैं टू कर रही हूँ एक चिल्ड्रन है मेरे साथ ठीक है अब मेरा दो का हो गया अब मुझे दो का फेयर ये दिखाएगा चलिए चलिए क्लिक कर दिया है क्लिक करने के बाद ये देखिए आप ये मुझे दिखा रहा है सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू स्पाइस जेट का टिकट दिखा रहा है दो घंटे का एट एट ट्वेंटी फाइव से लेके एट टेन थर्टी फाइव का दो घंटे का फ्लाइट है रात का फ़्लाइट है मुझे कुछ टेंशन नहीं है घर ही जाना है ठीक है यहाँ पे मैं ब्रेक फेयर देख रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आ, कह रहा है कि डिले होती है एक सौ के एक के घर ही जाना है कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बजट ट्रैवल करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें आपको इतना मैटर नहीं करती ठीक है थीके? तो यहाँ पर आप फ्लाइट सेलेक्ट कर लीजिए मैंने फ़्लाइट सेलेक्ट पर क्लिक किया उसके बाद ये खुल गया है खुलने के बाद ये मुझे दिखा रहा है कि संडे का स्पाइजर का टिकट एक बार डिटेल्स में फिर से चेक कर रही न्यू डेली टू पुणे फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड दिखा रहा है देखिए आप मतलब तो कितना कम दिखा रहा है जितना वहाँ दिखा रहा था उससे भी कम हो गया है टू आर टेन मिनट्स का फ्लाइट है डेली टू पुणे नॉन स्टॉप फ्लाइट है मेरा और सेप्टेम्बर का ग्यारह सेप्टेम्बर का संडे का साढ़े आठ बजे का आठ पच्चीस पी एम टू टेन तो थर्टी पी एम का मेरा टिकट ये दिखा रहा है जो मैं टिकट बुक कर रही हूँ ठीक है उसके बाद ये दिखा रहा है मुझे क्या क्या अलाउंस है वन फ्री कैरी ऑन पर पैसेंजर उसके बाद किस किस में दिखा रहा है ठीक है मैं ईज माई ट्रिप सबसे सस्ता दिखा रहा है उसके बाद बुक विद यात्रा वगैरह ये सब देख लीजिए एक बार ईज माई ट्रिप से मैं बहुत बार बुक कर चुकी हूँ मुझे कंफर्टेबल रहता है इस पर मैंने क्लिक किया पहले ऑप्शन पे ईज माई ट्रिप पे ठीक है अगर प्रॉब्लम है तो पीछे थोड़ा सा पीछे करके वीडियो आप देख सकते हैं शुरू से गलती मत करिएगा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ठीक है ये पेज खुल गया है मेरा पेज खुलने के बाद ये फ्लाइट डिटेल्स मैं फिर से चेक कर रही हूँ रिफंडेबल टिकट है मेरा लेकिन रिफंडेबल टिकट का अलग चक्कर होता है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो रिफंड होता नहीं है एक्चुअल में जब तो तक कोई बहुत वैलिड रीज़न ना हो मेडिकल रीजन ना हो ठीक है ये ज़ीरो कैंसिलेशन फीस प्रोडक्ट वगैरह ये मुझे नहीं चाहिए ये दे दो आप अगर आपको कैंसलेशन लग रहा है आपका टिकट हो सकता है तो आप दे सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद मैं ये नो no कर रही हूँ नो no करने के बाद मैं आगे चलूंगी ये कह रहा है कैंसिलेशन पेनाल्टी फोर चौबीस घंटे पहले बुक कराते हैं यह सब छोड़ दीजिए आप बजट ट्रैवल के लिए बता रही हूँ मैं टिकट सस्ता टिकट ठीक है छोड़ दीजिए गुड टू नो ये सब एयरलाइन uh, की गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लीजिए आप फेस मास्क मैंडेटरी है रिमेंबर टू वेब चेक इन बिफोर अराइविंग एट दर वेब चेक इन की वीडियो आप मेरी देख सकते हैं पीछे जाके ठीक है सारी जो फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए ठीक है उसके बाद ये ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए मुझे बोल रहा है एको कार जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डाला था जिसमें मैंने वेब चेक इन किया हुआ है ठीक है तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं ये सब ये सब छोड़ दीजिए ट्रैवल इंश्योरेंस का अलग से वीडियो बनाऊंगे अभी हम ये स्किप कर रहे हैं नो आई डोंट वांट टू इंश्योर माय ट्रिप नो आई डोंट पे मैंने क्लिक कर दिया है ठीक है उसके बाद यहाँ मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रही हूँ कॉन्टिन्यू बुक बुकिंग पे क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है अगर कोई कूपन कोड का मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था ना चीफ फ्लाइट्स वाले में कूपन कोड अगर आपके पास है तो आप यहाँ डाल सकते हैं वो सब तो ये पहले से ही कूपन कोड लगा हुआ है जो है ई एम टी एन सी एफ़ जीरो कन्वीनियंस फीस मेरा लगेगा यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल्स डालनी है मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है मैं जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आप डाल दीजिए मोबाइल नंबर डालने के बाद ये एक्चुअली नीचे कर दिया है मैंने ऊपर का जो है पहले टाइटल डालिए बच्चे का दिखा रहा है मिस मेरी बेटी का नाम है नाम डाल दूंगी जो भी बच्चा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई भी दूसरा भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे दूसरे एडल्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मतलब एडल्ट्स की इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए नीवा सिंह मैंने डाल दिया अब मेरा इनफॉर्मेशन ये मैं यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन डाल दूँगी मिस रितु पंडित ठीक है देखिए आप बहुत ही आसान है इतना मुश्किल नहीं है पाँच मिनट में फ़्लाइट टिकट बुक होती है लेकिन आप बस एक आध बार करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे नए लोगों को थोड़ा डर लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि गलती जरा सी गलती से आपके बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं बैगेज नहीं ऐड करना मील्स नहीं ऐड करनी ये आ गया ये सीट मैप इसके चक्कर में मत पड़िएगा ये बहुत बड़ा ट्रैप है सीट के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं ठीक है ये देखिए इस तरीके से दिखाते हैं ये सीट्स को इस तरीके से इसलिए सीट दिखा रहा है आपको सीट सिलेक्शन में आप देखिए सीट सिलेक्ट करेंगे सब में पैसे 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 दिखाया जा रहा है दिखाया जा रहा है आप लेफ्ट में देखिए इधर इधर सीट में सारा पैसे दिखाया जा रहा है सीट मैंने छोड़ दिया है ठीक है ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाई सीट के सीट का ऑप्शन छोड़ दीजिए ठीक है सीट का ऑप्शन आपको क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है सीट के चक्कर में मत फँसीए सीट के चक्कर में पैसे देखिए मत फंसीे आगे बढ़िए कॉन्टिन्यू करिए कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करिए ठीक है ये आपको मील्स वगैरह अगर आपको खाने का शौक है फ्लाइट में मुझे है खाने का शौक तो मैंने लेकिन इसमें नहीं लिया ठीक है यहाँ पे आप अपना मील वो कर सकते हैं बुक कर सकते हैं क्योंकि फ़्लाइट में महंगा मिलता है ठीक है इसके बाद मैं कंटिन्यू बुकिंग करूँगी मुझे किस तरीके से पेमेंट करनी सीधा पेमेंट पे आ चुके हैं हम सारा हो गया ठीक है तो टोटल पेमेंट मेरा अभी भी दिखा रहा है फाइव थाउजेंड में दो टिकट्स कर लिए हैं दिल्ली से पुणे की ठीक है रिफंडेबल टिकट जो रिफंड नहीं होता उसका छोड़ दीजिए आप ठीक है एक बार फिर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए हमेशा दो बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स नेम वगैरह सब आपके आई से मैच कर लीजिए जो भी आपकी आई में होता है ठीक है उसके बाद अपना यू पी आई आई यू से पेमेंट कर रही हूँ अपना यू पी डालिए यू पी डालने के बाद जैसे कि आपको प्रोसेस पता है पेमेंट कैसे होती है उस तरीके से आप पेमेंट कर दीजिए ठीक है तो अब इंतज़ार करिए मेरा पेमेंट होने का दो मिनट के लिए मेरे फ़ोन पे मैसेज आएगा तो देन मेरा टिकट बुक हो जाएगा ठीक है ये वेट करने के लिए बोल रहा है जब तक पेमेंट प्रोसेस हो रही है योर रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड आपका टिकट बुक हो रहा है क्योंकि आपकी पेमेंट हो रही है इतना सस्ता टिकट मुझे लगभग लग रहा है दो तीन साल में मिला है इतना सस्ता टिकट में मैंने कभी ट्रैवल ही नहीं किया सत्ताईस सौ सौ रुपये बहुत कम है डेली टू पुणे या मुंबई की टिकट भी नहीं मिलती है पहले कभी मिलती थी सत्ताईस सौ अठाई रुपये में टिकट अब नहीं मिलती क्योंकि अभी फ्यूल चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं महंगाई बहुत हो गई है अभी अभी टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं ठीक है ठीके? और मुझे तो फ़्लाइट वो भी अभी है थोड़ा सा मुझे डर लगता है फ्लाइट्स में ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लग रहा है मैं जब तक ये हो रहा है ना मेरे फ़ोन पर रिक्वेस्ट आई है मैं फ़ोन पे से अपना पेमेंट कर रही हूँ ठीक है ये मेरा का पे का रिक्वेस्ट आया फ़ोन पे पेमेंट के लिए ये मैंने पेमेंट कर दिया कन्फर्म हो गया ठीक है अब ये मेरा आ, आ, बुकिंग स्टेटस देखिए दिखाया है अभी पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा अभी पीछे से कंफर्म होने में दो मिनट लगते हैं ज़्यादा नहीं दो मिनट में हो जाता है तो रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे और मेरे फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा जब बुकिंग स्टेटस प्रोसेस हो गया ठीक है देखिए बुकिंग कन्फर्म हो गई है थैंक्स फॉर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टिंग विद इज़ माई ट्रिप ये है मेरी डिटेल्स मैंने फिर से चेक कर लिया है सारी बुकिंग कन्फर्म कन्फर्म फ्रॉम एयरलाइन टोटल चार्जेस फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटीन रुपीस सत्तावन सौ सोलह रुपये में दो जनों की टिकट हो गई डेली टू पुणे इससे सस्ता टिकट आपको हो जाए ना तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कैसे किया है मुझे तो आज तक इतना सस्ता टिकट नहीं मिला बहुत सस्ता टिकट है मैं हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करती हूँ यह प्रोसेस ही आप दूसरों को भी भेजिए मैं मेक माई ट्रिप गो आई बी वो ये वो फलाना ढिंका वेबसाइट्स में ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करती सीधा गूगल पर जाओ गूगल तो पूरा भगवान है सारी वेबसाइट्स का उसके ऊपर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये हो गया ये आ गया मेरे फ़ोन पे मैसेज एक मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया है ठीक है फ़ोन पे मैसेज दिखा रहा है मुझे कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है आपके एसएमएस भी आएगा और आपके पास ईमेल पे भी मैसेज आएगा कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है ठीक है तो आशा करती हूँ आपको ईजी लगा होगा अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा अगर आपके कोई क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल चैट कर सकते हैं आप किसी भी ट्रैवल रिलेटेड क्वेरी के लिए मैं ज़रूर जवाब दूंगी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और यहाँ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ठीक है ठीके? मैं कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान भाषा में बात आप तक पहुँचा सकूँ लेकिन कई बार मैं भी आपके दिमाग में आपके दिल में मन में नहीं जा सकती पता नहीं कर सकती कि आपके मन में क्या सवाल है तो आप मुझे पूछें बेझिझक पूछें मैं ज़रूर कोशिश करूंगी जवाब देने का मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सवाल करते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से और सब्सक्राइब से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस तरीके की परेशानी हो रही है फ्लाइट बुकिंग की उनके साथ ये वीडियो मेरा शेयर करें थैंक यू सो मच अभी के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे चलते चलते नई वीडियो के साथ बाय बाय Have a nice journey.